हाय, दिस इज रितु यादव फ्रॉम एग्जाम स्कोर अप। एग्जाम स्कोर अप में आपका स्वागत है। आज हम अगस्त मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को, जो कि क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर वन, किस फुटबॉल टीम ने छठी बार यूरोपा लीग जीती है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यूरोपा लीग जो होती है वो डिफरेंट फुटबॉल टीम्स होती हैं, क्लब्स होते हैं अलग कंट्रीज के, उनके बीच खेली जाती है, डिफरेंट कंट्रीज के फुटबॉल क्लब्स के बीच खेली जाती है। तो ये जो खिताब जीता है वो सेविला ने जीता है। सेविला ये स्पेन का क्लब है। ओके, याद रखना है आपको। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो इंग्लैंड का क्लब है। ओके, इंटर मिलान इटली का है और शाख्तर डोनेट्स्क जो है वो है आपका यूक्रेन का क्लब है। और ये जो यूरोपा लीग जीती है सेविला ने, वो किसको हराकर जीती है? इंटर मिलान को हराकर जीती है। ओके, इंटर मिलान इटली के क्लब को सेविला स्पेन क्लब ने हराया है और यूरोपा लीग जीती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन ए, सेविला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मौत के मामले में निजी डॉक्टरों को 50 लाख का बीमा कवर दिया है? Which state government has extended the 50 lakh insurance cover to private doctors who die of COVID-19? यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर है महाराष्ट्र। याद रखना है आपको, महाराष्ट्र आपका आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार होने वाले राज्य ड्रैगन फ्लाई महोत्सव 2020 की मेजबानी किस राज्य को करनी है? विच स्टेट इज टू होस्ट द फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020? तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं वो है उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका। आपका यहाँ पे आंसर है बी, केरल ऑर्गेनाइज करने वाला है ड्रैगन फ्लाई महोत्सव, और इस महोत्सव को थंबी महोत्सवम सवम के नाम से जाना जाएगा। और यह जो महोत्सव है वो पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसका जो मस्कट है इस महोत्सव का वो है, ऑफिशियल जो मस्कट है इस महोत्सव का वो आपका है पंटलू। ओके, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह की चीजें एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो आपका आंसर है यहाँ पे केरल ऑर्गेनाइज करने वाला है ड्रैगन फ्लाई महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका यहाँ पे आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार को एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, और इन्होंने जो रिप्लेस किया है अशोक लवासा को किया है। और ये जो राजीव कुमार थे इससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे। अर्लियर ही वॉज फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो आपका आंसर यहाँ पे है आपका राजीव कुमार, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द वुमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020 टाइटल इन गोल्फ? तो यहाँ पे आपका आंसर है सोफिया पोपोव। तो ये जो सोफिया पोपोव हैं वो जर्मनी से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने हराया किसको है? जैस्मिन स्वानपुरा को हराया है। इनको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है, और ये भी जर्मनी से ही है, सॉरी ये थाईलैंड से है, थाईलैंड की
जैस्मिन स्वानपुरा को हराकर सोफिया पोपोव ने यह खिताब जीता है। तो आपका आंसर है यहाँ पे सोफिया पोपोव, ऑप्शन डी। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? द लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। ये असम में किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात है जो नोट करनी है आपको, ये किस रिवर पर किया गया है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर किया गया है। रिवर पर किया गया है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है इस बात को, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। और ये जो कनेक्ट करेगा गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा, ये जो रोपवे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज असम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? द इंडिया पवेलियन एट द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड रूस दे रखा है। ये आपका आंसर है आपके डी, दैट इज रूस में किया गया है। याद रखिएगा आंसर इज डी, दैट इज रूस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त हरित परिसर में बदलने हेतु किस कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? NTPC, NLCIL, BHEL, भेल, ONGC। यहाँ पे आपका आंसर है NLCIL। तो आपसे अगर पूछा जाता है विच कंपनी हैज बैग द स्वच्छता ही सेवा अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग निवेली टाउनशिप इंटू अ प्लास्टिक फ्री ग्रीन कैंपस, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी, दैट इज NLCIL। और ये जो है NLCIL है क्या, ये है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ओके, और ये एक नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डाटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? विच बिकम्स द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डाटा टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स? आपके यहाँ पे ऑप्शन से रखे हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, आई बैंक, एक्सिस बैंक एंड इंडस इंड बैंक। तो यहाँ पे आपका आंसर है ICICI बैंक, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, सुधा मूर्ति, श्री अय्यर। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं श्री अय्यर। आंसर डी है, श्री अय्यर। और ये जो बुक है वो बॉलीवुड और क्रिकेट के रिलेशंस पर आधारित है ये बुक। तो आपका आंसर है श्री अय्यर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया था जिसमें गन्ना मूल्यों को चीनी की दर से जोड़ने की सिफारिश की गई थी? हु हेडेड द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नीति आयोग दैट रिकमेंडेड लिंकेज ऑफ शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट? आपके आंसर है क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शंस है वी के सारस्वत, वी के पॉल, रमेश चंद, विवेक देबरॉय। आपका यहाँ पे आंसर है रमेश चंद, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है, रमेश चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलोमी घटक किस खेल से जुड़ी हुई थी जिन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की है? यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, तो ये एसोसिएटेड थी टेबल टेनिस से। तो आपका आंसर है यहाँ पे डी, टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। और ये पलोमी है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। और इनकी इन्होंने जो शादी की है वो सौम्य दीप रॉय से की है जो कि एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हैं इंडिया के, और ये भी वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। ओके, तो आपका आंसर है टेबल टेनिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक गणना विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है?
यहाँ पे ऑप्शंस देखें आपके, सुनील मेहता, अंजनी प्रताप सिंह, नीलकंठ भानु प्रकाश और शशि भूषण। आपका आंसर यहाँ पे सी है, हु हैज वन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशंस वर्ल्ड कप। यह क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर यहाँ पे होगा नीलकंठ भानु प्रकाश ने जीता है, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। आपका आंसर है नीलकंठ भानु प्रकाश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय युवाओं के लिए युवा तथा डिजिटल रूप से इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करने हेतु तो किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है? ठीक है, लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है, यह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर। तो आपका यहाँ है आंसर जो होगा आपका वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है और आपका आंसर है एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है विनय टोन्स। ओके, आपका यहाँ पे आंसर है विनय टोन्स। इससे पहले आई थिंक मैं एक क्वेश्चन स्किप कर गई हूँ, उस पर चलते हैं। सॉरी, लेट मी चेक फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर में गलती हो गई है शायद, ठीक है, स्किप नहीं किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो जो ब्रिक्स गेम्स 2021 की जो मेजबानी कर रहा है वो भारत कर रहा है। ओके, तो ये जो ब्रिक्स है होता है, कौन कौन से कंट्रीज को इंक्लूड करता है ब्रिक्स? क्या है ब्रिक्स? है आपका ब्राजील, रशिया, आई फॉर इंडिया, सी चाइना एंड एस जो है वो आपका साउथ अफ्रीका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? Who has been adjudged as the winner of the International Booker Prize 2020? तो ये जो प्राइज मिला है वो मिला है आपके मैरी के लुकास रिजने वेल को। ठीक है, यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी होते हैं और मैंस बुकर प्राइज भी होते हैं। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है, मैंस बुकर प्राइज अलग है। मैंस बुकर प्राइज को समटाइम्स बुकर प्राइज के नाम से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज को बुकर प्राइज के नाम से ही पूछा जाएगा। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो 2020 का मिला है वो मैरी के को मिला है, आपको याद रखना है। और इनको इनकी जो बुक है उसके लिए जिसके लिए इनको बुक दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वो है आपकी द डिस्कम्फर्ट ऑफ सॉरी
ये है आपकी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो जो मेंस बुकर प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो मेंस बुकर प्राइज प्राइज 2020 जो है वो अभी दिया नहीं गया है। इसकी जो घोषणा होगी वो अक्टूबर में की जाएगी, लेकिन 2019 का है मेंस बुकर प्राइज। ये दो लोगों को दिया गया था 2019 में। नंबर वन थे आपके मार्गरेट अटवुड, इनको जो बुक थी द टेस्टामेंट्स के लिए दिया गया था। एंड जो दूसरे को दिया गया था मेंस बुकर प्राइज वो दिया गया था बर्नार्डाइन एवरेस्टो। ओके, और इनकी जो बुक थी वो थी गर्ल्स वुमेन अदर्स। तो ये जो बुक थी इनके लिए दिया गया था और ये बुक बहुत कंट्रोवर्सी में रही थी, आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज में और मेंस बुकर प्राइज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुकर प्राइज और मेंस बुकर प्राइज सेम है, इसी एक ही नाम से पूछे जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है, ठीक है। तो 2020 का जो बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है वो मैरी के को दिया गया है, और उनकी बुक थी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और मेंस बुकर प्राइज 2020 अभी नहीं अनाउंस हुए हैं, ये अक्टूबर में अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 2019 के मेंस बुकर प्राइज के बारे में बता दिया है। दो लोगों को दिए गए थे, मार्गरेट अटवुड को और बेंडरडाइन एवरेस्टो, ठीक है। और इनकी बुक्स थी द टेस्टामेंट्स ऑफ गर्ल्स वुमेन अदर। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर है डी मैरी के लुकास डिज्नी वेल्ट, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय GIES सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की है? Who among the following has announced the national GIS geographic information system enabled land bank system? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में बात की जा रही है, और इसका जो आंसर है वो आपका है पीयूष गोयल ने ये स्टार्ट की है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य में लजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबा पियर पुल का निर्माण कर रहा है? इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस रिवर लजई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आपके ऑप्शन दे रखे हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। यहाँ पे आपका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में पियर पुल का निर्माण करा जा रहा है। ओके, आपका आंसर है सी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी चेतन चौहान का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? फेमस स्पोर्ट्स पर्सन चेतन चौहान पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो यहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल दे रखा है। ये जो जुड़े थे वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है 1981 में। हाँ, चेतन चौहान को अर्जुन अवार्ड भी मिला है 1981 में। ओके, और इस 2018 में ये मिनिस्टर थे यूथ एंड स्पोर्ट्स के, यूपी में, मिनिस्टर्स ऑफ सैनिक वेलफेयर, होम गार्ड्स, पीआरडी एंड सिविल सिक्योरिटी इन द यूपी में रह चुके हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर है क्रिकेट से जुड़े हुए थे चेतन चौहान, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले सुरेश रैना किस खेल से जुड़े हुए हैं? बहुत
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं सुरेश रैना किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर है क्रिकेट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के लेखा वर्ष 2019-20 में लाभांश के रूप में कितनी राशि स्थानांतरित करने का निर्णय किया है, सॉरी व्हाट अमाउंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर एज डिवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग ईयर 2019-20। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, 57,128 करोड़ रुपए का निर्णय लिया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से किस बिजनेस स्कूल के साथ मिलकर एक ऑनलाइन निवेशक शिक्षा संसाधन केंद्र के लिए प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन विकसित और लॉन्च किया है। तो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जॉइंटली डेवलप्ड एंड लॉन्च प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन और एन ऑनलाइन इन्वेस्टर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर विद विच बिजनेस स्कूल। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर द्वारा किया गया में किया है। मैं विकसित किया गया है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। नेक्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भुगतान बैंक ने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग्स अकाउंट जन बचत खाता JBK? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर है फिनो पेमेंट बैंक ने स्टार्ट किया, याद रखना है आपको डिजिटल बचत बचत खाता, आपका आंसर है डी, दैट इज फिनो पेमेंट बैंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवीय दिवस हर साल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? यहाँ पे आपका आंसर है 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है, विश्व मानवीय दिवस के नाम से इसको मनाते हैं, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अशोक लवासा ने किस संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग। इससे पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अशोक लवासा ने रिजाइन कहाँ से किया था? भारत के चुनाव आयुक्त की पोस्ट से उन्होंने रिजाइन किया है, और इन्होंने अब आगे ये ज्वाइन करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक को। बैंक और इसका जो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो है मनीला फिलीपींस में, याद रखना है इम्पोर्टेंट बात है ये, हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना है फिलीपींस में मनीला में इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको सेबी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सेबी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि सेबी की फुल फॉर्म है क्या ये, तो आपको याद रखनी है सेबी की फुल फॉर्म। और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है जीपी गर्ग, तो इनको विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है,
और इसके जो सेबी के जो चेयरमैन है वो अभी आपके हैं अजय त्यागी। ओके, याद रखना है आपको शेयर मार्केट पे कंट्रोल सेबी ही करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपका यहाँ पे आंसर है जीपी गर्ग। जीपी गर्ग को ही सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है, और जबकि इसके चेयरमैन अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस स्थान पर गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की है? तो यहाँ पे आपका आंसर है पोरबंदर, गुजरात में क्वालिटी कंट्रोल लैब को डेवलप किया गया है। आपका आंसर है बी, दैट इज पोरबंदर, गुजरात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। यह बुक अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है, जो कि रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अर्जुन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आधुनिक उच्च गति वाले दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कुल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अप्रूव्ड अ टोटल ऑफ 1 बिलियन USD लोन टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हाई स्पीड दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? तो इसमें है आपके जो आंसर है वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, इम्पोर्टेंट बात है, नोट करते करिएगा। तो इसका आंसर है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ने की दृष्टि से किस मंत्रालय ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज शुरू किया है? स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज किसने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नोट करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, याद रखना है आपको स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। आंसर सी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के तहत मुथूट फाइनेंस ने 1 लाख रुपए तक के COVID-19 बीमा कवर की पेशकश करने के लिए किस बीमा कर्ता के साथ साझेदारी की है? मुथूट फाइनेंस हैज पार्टनर्ड विद विच इंश्योरर टू ऑफर COVID-19 इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू ₹1 लाख अंडर द इनिशिएटिव मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन्स। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस है, इससे इसने साझेदारी की है मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के तहत। ओके, तो आपका आंसर है आंसर ऑप्शन डी, दैट इज कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित उद्योग को समर्थन देने हेतु फ्लिपकार्ट ने किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फ्लिपकार्ट साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच आईआईटी टू सपोर्ट द इंडस्ट्री फोकस्ड अप्लाइड रिसर्च इन द फील्ड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। इसमें जो आपका है आंसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। ओके, याद रखना है आपको, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महान खिलाड़ी एंजेला बक्सटन का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़ी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो ये लॉन, आप सब लोग जानते हैं टेबल टेनिस होता है, लॉन टेनिस होता है, ये लॉन टेनिस से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी, करेक्ट है आपका आंसर। और ये जो लॉन टेनिस की, इनको फोर इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। ओके, और इनके जो नाम हैं वो हैं, जो साल में आयोजित किए जाते हैं, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओपन, उसके बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन, नेक्स्ट विंबलडन, ओपन, सॉरी विंबलडन, और फिर अमेरिकन ओपन। ठीक है, ये पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकन, ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इसके तहत लॉन टेनिस में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर है टेनिस से एंजेला बक्सटन जुड़ी हुई थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 13 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त और 20 अगस्त। तो ये जो इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को, दैट इज 20 अगस्त को किया जाता है। और इस ये जो बर्थ एनिवर्सरी राजीव गांधी की है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसी दिन को सद्भावना दिवस के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट, हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? ठीक है, देखिए मैंने पहले भी, इससे पहले 20 अगस्त का जो डिस्कशन आया था उसमें डिस्कस कर दिया था, बता दिया था इसको सद्भावना दिवस और सद्भाव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ये राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर है आपका राजीव गांधी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स आईवियर ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स आईवियर ओकले? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और शिखर धवन। आपके जो आंसर, यहाँ पे जो आंसर है वो आपका है रोहित शर्मा, ये जो कि क्रिकेट, इंडियन क्रिकेटर है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की प्रसिद्ध क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। फिर तो इन्होंने जो रिटायरमेंट अनाउंस किया है वो लॉरा मार्श बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें।